नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम न्यूज रूम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। आइए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार के इस अंतिम सप्ताह में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सतना जिले में चित्रकूट पहुंची और पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को याद करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सीएम शिवराज पर हमला करते हुए प्रियंका ने कहा कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी द्वारा खुद को फकीर कहने पर भी तंज कसा। प्रियंका ने कहा कि पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन जो नेता जनता की सेवा करे वो उसकी पूजा है। इसीलिए हमारी 17 महीने की सरकार और छत्तीसगढ़ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर वोट करना और यहाँ भी बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार बनाना, जिसे कोई फिर चोरी नहीं कर पाए। इस तरह से उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सतना में जनता से कहा कि आपके वोटों ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी एमपी विधानसभा चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। आपके वोट में त्रिविध शक्ति की ताकत है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा, वहीं आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट तीन कमाल। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और इस बार प्रदेश का भविष्य माताएं बहने तय करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा पंचर हो गया है, फूट गया है, उसके गुब्बारे की हवा निकल गई है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता अब हवा निकल जाने के बाद सिर्फ शोर मचा रहे हैं। उनके पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की भी सरकार पर लगातार हमला बोला। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेतुके बयान ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सुशासन बाबू के बयान पर उनका इस्तीफा मांगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। सीएम शिवराज ने नीतीश कुमार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो बेइज्जत करें, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते उन्हें एक विवादित बयान में डाल दिया गया। इस बयान को लेकर भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी खूब आलोचना की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज एमपी के अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब करते हैं। एक नेता को आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जिक्र करते हुए भी कहा कि तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है, उसका करोड़ों रुपए का लेन देन का वीडियो भी सामने आया था। राहुल ने यह भी कहा कि मैं मोदी जी से कहता हूँ कि जाति जनगणना कर दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति तो है ही नहीं। राहुल ने अशोकनगर के नई सराय में चुनावी सभा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चलकर किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से मिला और देश को बिल्कुल पास से देख कर आया हूँ। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के मौसम में जल्द ही बदलाव आने वाला है। मध्य प्रदेश में जल्द मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। कड़ाके की ठंड का अनुभव होगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगले 5 दिन में ठंड अपना असर दिखाना शुरू करेगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्र पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में दिन के समय अभी भी गर्मी का असर है, लेकिन 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। उज्जैन, ग्वालियर और 3 संभाग में तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कई संभागों में तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आया है, जबकि अधिकतम तापमान 1 से 2% तक लुढ़का हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।